कोरोना मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसे पर विवाद खड़ा हो गया है। एक आपत्ति तो भारत ने भी दर्ज करवा दी है, साफ कर दिया है कि WHO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। उनकी तरफ से तीन बड़े कारण बताए गए हैं जिस वजह से WHO की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि पहला तो ये है कि भारत में जन्म मृत्यु के आंकड़े दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है, जिसमें कोविड के अलावा हर तरह की मौत के आंकड़े दर्ज होते हैं, जबकि इस आंकड़े इस्तेमाल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं किया है। दूसरे कारण को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि WHO ने जो आंकड़े जमा किए हैं जो विश्वसनीय नहीं है वो कहीं से भी उठा लिए गए हैं, अपुष्ट स्रोतों से, मीडिया रिपोर्ट से या किसी और स्रोत से जो कि अवैज्ञानिक तरीके से जमा किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वहां से आंकड़े ले लिए हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना मौत के बाद परिवारों को दिए गए मुआवजे का मुद्दा भी उठाया है। उनकी नजरों में अगर इतने लोगों की मौत हुई होती तो उनके परिवार सरकार से आर्थिक सहायता जरूर मांगते। इस बारे में वो बताते हैं कि भारत ने कोविड से जान गंवाने वालों के परिवार को सरकार ने मुआवजे का प्रावधान किया है। अगर इतनी मौतें होती तो वो रिकॉर्ड होता, जान गंवाने वाले परिवार के लोग मुआवजे के लिए आगे आते, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।